कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं, सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए, और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए चाहिए। लेकिन यहां तेलंगाना में जिन लोगों को सत्ता मिली उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में, और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं, और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है, एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों,